सूबे विच वध रहीयां वारदातां जिथे लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति दे वड्डे सवाल खड़े कर रहे ने उत्थे ही वारदातां आम लोकां दी सुख चैन दी नींद खोल रहीयां ने क्योंकि दिन दहाड़े कतल हो जांदे ने ते दोषी बेखौफ बड़े आराम नाल घूमदे ने। लुधियाणा दे भूमिया खुर्द विच एक 35 साला युवता दा कतल हो जाण दा मामला सामने आया। दस दईए घटना सवेरे तड़के 6 बजे दसी जा रही है जिथे युवता दे बच्चे ने अपने किराएदार नूं उठाया अते कहा कि मम्मी नूं कुछ हो गया है अते सारी घटना दा उस वेले पता लग्या। इलाके विच लगे सारे सीसीटीवी कैमरे जिहड़े ने दोषी नूं फड़न विच फेल साबित हो रहे ने क्योंकि जिन्हां ने भी कैमरे लगवाए हुए ने उह सब खराब निकले। ये भी दसिया जा रहा है कि मृतका दे दो विआह हुए ने, पिछले वाले तो 2 बच्चे ने ते हुण वाले विच मिला के दसिया जा रहा है कि 4 बच्चे ने। सूत्रां दे हवाले तो ये भी कहा जा रहा है कि रात नू घर का गेट खुला रह गया जिस करके हादसा वापर गया। दसिया जा रहा है कि दोषी चोरी की नीयत नाल दरवाजे दाखिल होए ते वड्डा हादसा जड़ा है ते कारनामा करके निकल गए। दुनिया से हमारी लड़की दुनिया से चली गई, हमको कुछ नहीं पता है, अब उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कौन मारा है, कौन किसने किया है, अब उसके हाँ पूजा हमारे बेटी है, उसकी माँ अंदर रो रही है, तड़प रही है। ऐसे कान कौन कर क्या लगता है कुछ लेके भी गए हैं लूट के? अरे आगे से मोबाइल 2-3 मोबाइल चोरी हुआ है, लेके गए उसके कोई इंक्वायरी नहीं हुआ है। किस पे शक आ रहा आपको? हमको किसको, आप किसको कहेंगे? कितनी उम्र थी पूजा की? पूजा के गए कम 30-35 साल की थी। बच्चे भी थे उनके? बच्चे 2 जुड़वा है, उधर बैठे हुए हैं। पीछे कौन कौन रह गया उनके जाने के बाद? उनके पीछे कौन कौन आया? बस एक और जो दूसरी शादी है उनको, 2 बच्चे उनके हैं, यही 2 बच्चे हैं। मतलब 2 बच्चे पीछे रह गए? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे हैं और कोई नहीं रह गया। हम तो ढोले भर रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। सुबह फोन गया था, दौड़ के आए। कौन इंसान ऐसे करके गया है रे भगवान? कौन था, किसकी रंजिश निकाली? अभी कुछ पता नहीं लगा, हम लोग तो कुछ पता नहीं है। बिखरा पड़ा है, कुछ भी लेके नहीं गए? नहीं नहीं, वो पुलिस नहीं, वो तो पुलिस सब किया, हम लोग तो अंदर गए नहीं। कोई सीसीटीवी इलाके में लगाओ, उसमें किसी की फोटो आ रही? सारा बंद है, सारा चेक किए हैं, सारा बंद है। वो पता ना कैसा कमरा लगा है, ये भी कमरा, ये भी कमरा, सब बंद है, पता नहीं लगा। हम लोग सो गए थे ना, तो हम लोग को नहीं पता था। कितने बजे की बात है ये तो नहीं पता मेरे को। 6:30 बजे जो उसका लड़का बुलाने आया कि आंटी गेट खोलो, गेट खोलो, तो मैं बोली क्या हो गया, तो बोलता है कि मेरे मम्मी को किसी ने मार दिया है। तब आपको पता लगा 6:30? हाँ हाँ सर। तब आपने फिर किसको सूचना दी इस चीज़ की कि हमारे यहाँ कतल हो गया? मैं बेटा के साथ बाहर गई, उसके बाद बेटा फोन किया, वो मेरे बहन का लड़का को राहुल, उसके बाद राहुल अब किसको फोन किया ये नहीं पता मेरे को, लेकिन पुलिस वाला तभी आ गए। पूजा जी यहाँ किसके साथ अंदर थे, कुछ पता है कि उनके घर वाला था यहाँ पे मौके पे? नहीं सर, कल तो बोल रही थी दिल्ली जाने वाले हैं, मेरे को तो नहीं पता इतना। मेरे को तभी 11 तारीख को 1 महीना होने वाली है, इसमें पहली बार मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, आपका क्या नाम है? शीतल सर। पता नहीं चला? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला हम लोग को। हम लोग को सुबेरे उसका लड़का आया और बोला कि आंटी गेट खोलो, पूरा गेट मार रहा था, तो मैं सोई हुई थी, मैं भी जॉब करती हूँ। अच्छा। मैं भी घर में नहीं रहती हूँ, हम लोग आवाज वगैरह नहीं आई? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी पता ही नहीं लगा हम लोग को। सुबह 6:30 बजे लड़का आया तभी पता लगा।